Hello, class 5. Welcome to Erudite School of Learning. So, now our last class, we were on page number 10 and we were pursuing exercise 2.2. So, question number 2 we have solved. Now, in question number 3, we have to subtract. Okay? Now, the first question is you have to subtract 840 from 3944 so those students who have problem in english they should remember that whatever number comes after from that you have to write first and in fifth class your common, sh common sense should direct you that you should write the bigger number on the top and the smaller number below and then subtract okay but you जब भी आपको ऐसा बोला जाए कि इसको फ्रॉम इसमें से सप्ट्रेक्ट करना है तो फ्रॉम के बाद जो लिखा होता है जिन बच्चों को इंग्लिश नहीं आती है फ्रॉम के बाद जो लिखा होता है उसमें से सप्ट्रेक्ट करते हैं ठीक है मतलब थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड फोर्टी फोर में से हमको क्या सप्ट्रेट करना है एट हंड्रेड फोर्टी और थोड़ी कॉमन सेंस हमें अभी ये है फिफ्थ क्लास में क्योंकि हमारे नेगेटिव इंटीजर्स नहीं आए हैं अभी तो हमको पता होना चाहिए सबसे पहले बड़ा नंबर ऊपर लिखा जाएगा फिर छोटा नंबर नीचे लिखा जाएगा तो आपको तो ये याद रखना है कि जब भी आपको ऐसा बोला है सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस तो इसका मतलब होता है फ्रॉम के बाद जो लिखा हुआ है उसको हम पहले लिखेंगे ऊपर इस तरह से थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड फोर्टी फोर और फिर इसमें से सबट्रेट करेंगे किसको एट हंड्रेड फोर्टी को मतलब एट हंड्रेड फोर्टी को सब्टेट करना है किसमें से फ्रॉम थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड फोर्टी फोर एंड सब्टशन इज़ वेरी ईजी वी ऑल नो ओके सो वी स्टार्ट सब डूंग सब्ट्रेक्शन फ्राम द राइट मोस्ट साइड फ्रॉम बैकवर्ड्स so here we have 4 and 0 pair so we know that when we subtract 0 from 4 what we will get 4 only okay 4 में से 0 गया मतलब 4 में से कुछ भी नहीं गया तो क्या बचा 4 बचा now 4 में से 4 गया 0 ठीक है देन 9 में से 8 गया वन यून और अगर हम जो बेसिक मैसिक लास्ट चल रही है उसमें अगर हम फिंगर लाइंस काउंट करके कर रहे हैं तो हमको पता होता है नीचे वाले के बाद से काउंटिंग बोलते हैं जब तक ऊपर वाला ना आ जाए तो एट के बाद क्या आता है नाइन और नाइन पे ही हमको काउंटिंग बोलनी थी नाइन तक ही हमको काउंटिंग बोलनी थी सो so, कितनी नंबर ऑफ लाइन्स आई हमारे पास ओनली वन सो दिस इज़ वन और यहाँ पर कोई नंबर नहीं मतलब जीरो है तो थ्री में से जीरो गया थ्री ही बचेगा सो फाइनल आंसर विल बी थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड फोर So, subtraction is very easy, guys. Um, it's I already told you that these first three chapters is just revision of your previous classes. In fact, half of your syllabus is just a revision or an extension to your previous classes a bit. So now, there second question we have again we'll start subtraction doing subtraction from back of. द साइड एंड द राइट मोस्ट साइड राइट मोस्ट पेयर विल सॉल्व इट फर्स्ट सो सेवन में से सेवन गया ज़ीरो सेवन माइनस 0 जीरो वी ऑल नो अगर सेम नंबर में से सेम नंबर माइनस करें तो हों जीरो ही आता है वन में से ज़ीरो गया तो व्हाट वी विल गेट वन ओनली क्योंकि वन में से कुछ भी नहीं किया तो वन ही बचा ठीक है अगेन एट में से फोर माइनस करना है हमें पता है सब्ट्रक्शन में हम काउंटिंग कहाँ से बोलते हैं फोर के बाद से कहाँ तक बोलते हैं एट तक फोर के बाद क्या आता है वन एट ठीक है तो ऊपर वाले तक ही हम काउंटिंग बोलते हैं तो एट हमारा यहाँ पे आया है सो विल काउंट दिस नंबर ऑफ लाइंस वन टू थ्री फोर सो टोटल नंबर ऑफ लाइंस के आई फोर इसका मतलब है एट में से फोर गया फोर बच्चों सब्ट्रेक्शन में अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है यू कैन यू आर फ्री टू अटेंड बेसिक मैथ्स क्लासेस एंड प्लीज़ मेक योर बेसिक मैथ्स स्ट्रॉन्ग ओके नाउ फोर दिस टाइम वॉट यू हैव टू सॉल्व फोर माइनस टू मतलब फोर में से टू गया तो कितना बचा काउंटिंग कहाँ से बोलेंगे नीचे वाले के बाद से जब तक ऊपर वाला ना आ जाए टू के बाद क्या आता है थ्री और फोर फोर आ गया कितनी लाइन्स में आया टू लाइन्स में वन टू सो आवर आंसर इज टू सो द फाइनल आंसर विल बी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड टेन ओके जस्ट एन ईजी सब्ट्रैक्शन अब इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है ठीक है स्पेशली जिनको सब्ट्रेक्शन नहीं आता है बच्चों उनको ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा सोल्व करने चाहिए ठीक है जैसे इसमें क्या हो रहा है सबसे पहले हम लास्ट वाला पेयर सोल्व करते हैं लेकिन यहाँ पर क्या है जीरो ऊपर छोटा नंबर है नीचे बड़ा नंबर है तो ऑफ़कोर्स ये अपने पास वाले से बोरो लेगा नेबर से लेकिन इसके पास वाला भी ज़ीरो है ये भी पुअर है ये भी इसको कुछ नहीं दे सकता है फिर ये किससे मांगेगा अपने पास वाले से कि मुझे वन दो तो इसके पास भी कुछ नहीं है फिर ये किससे मांगेगा अपने पास वाले से इसके पास है तो ये दे सकता है तो जब भी कोई अपने अंदर से वन देता है तो वो खुद कितना बन जाता है वन लेस मतलब एक माइनस उसमें से हो जाता है तो हम सभी को पता है अगर सिक्स में से वन जाएगा तो कितना बचेगा फाइव बचेगा सो दिस मीन्स दैट दिस सिक्स विल बिकम फाइव ओके एंड दिस ज़ीरो विल बिकम टेन लेकिन क्या अब हमको सब्ट्रेक्शन शुरू कर देना चाहिए नहीं हमें पता होना चाहिए हम हमेशा सब्ट्रेक्शन कहाँ से शुरू करते हैं यहाँ से तो जब तक ये वाला वन यहाँ तक नहीं पहुँच जाएगा तब तक हम सबट्रेक्शन शुरू नहीं कर सकते ठीक है तो इसलिए अब क्या होगा अब ये ज़ीरो इसको बोलेगा कि अब आप टेन बन चुके हो आप अपने अंदर से मुझे वन दे सकते हो सो प्लीज़ गिव मी योर वन सो वॉट विल हैपन दिस टेन नाउ विल बिकम नाइन एंड इट विल गिव इट्स वन टू द नेक्स्ट डिजिट द राइट वन डिजिट ओके सो नाउ दिस ज़ीरो विल बिकम टेन बट क्या अब हम भी अभी भी हम सोल्व कर सकते हैं यहाँ पे माइनस कर सकते हैं नहीं क्योंकि माइनस तब तक नहीं कर सकते जब तक ये वाला पेयर सोल्व ना हो जाए क्योंकि हमें हमेशा माइनस राइट साइड से ही स्टार्ट करना होता है तो अगेन अब ये ज़ीरो कह सकता है कि अब आप टेन बन चुके हो आप मुझे वन दे सकते हो तो ये वन जो है ये टेन भी अपना वन दे देगा तो ये खुद कितना बन जाएगा नाइन एंड दिस ज़ीरो विल बिकम टेन सोचना बहुत ईजी है बच्चों अगर आप प्रैक्टिस करोगे ऐसे क्वेश्चन की बार बार तो जिसका सब्ट्रक्शन वीक है स्पेशली वो ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा सोल्व करें ठीक है आपको पता होना चाहिए कि इसका जो वन है वो यहाँ तक आना चाहिए और जब ये अपना वन इसको देगा तो ये खुद नाइन बन जाएगा क्योंकि ये पहले टेन बन चुका था उसके बाद इसने इसको वन दिया तो ये टेन बन गया था लेकिन फिर से ये नाइन बना क्यों क्योंकि इसको अभी हमको एक वन देना बाकी है अब ये टेन बन चुका है इसको किसी को वन नहीं देना है तो ये तो टेन का टेन ही रहेगा और हमको कुल मिला के अब टेन में से नाइन माइनस करना है टेन अब बड़ा हो गया है नाइन से सो वी कैन सब ट्रैक्टेड नाउ तो नाइन टेन में से नाइन गए वन आपको पता होना चाहिए जिनको नहीं पता है जिनको फिंगर वाली ट्रिक आती है वो डायरेक्ट भी कर ऐसे भी कर सकते हैं नाइन के बाद से काउंटिंग बोलेंगे कहाँ तक जब तक ऊपर वाला नंबर ना आ जाए ऊपर क्या है टेन तो नाइन के बाद क्या आता है टेन नाइन के बाद से काउंटिंग बोलनी थी और पहली लाइन में हमारा जो है टेन आ गया तो इसका मतलब कितनी नंबर ऑफ लाइन्स हुई वन तो इसका मतलब है टेन में से अगर नाइन जाता है तो कितना आता है वन आता है ओके यहाँ पर अब ये क्या है नाइन बन चुका था अब नाइन में से नाइन जाएंगे हमको पता है सेम नंबर में से सेम नंबर माइनस होता है तो क्या आता है ज़ीरो आता है ठीक है फिर वापस यहाँ पे नाइन में से नाइन गया ज़ीरो अब लास्ट पेयर इज़ फाइव एंड फोर फाइव में से फोर गया तो जिनको पता है कि किसी भी सक्सेसन में से प्रिडिससन माइनस करते हैं तो वन ही मिलेगा जिनको नहीं पता है वो फिंगर वाली ट्रिक आती है तो हमको ये तो पता ही है कि काउंटिंग कहाँ से बोलते हैं नीचे वाले के बाद से जब तक ऊपर वाला ना आ जाए फोर के बाद क्या आता है फाइव और हमको फाइव तक ही काउंटिंग बोलनी थी तो हमारा कितनी लाइन में आंसर आया है ओनली वन सो द आंसर विल बी वन ओनली सो द फाइनल आंसर विल बी वन थाउजेंड एंड वन ठीक है सो इन दिस वे यू हैव यू शुड एग्जीक्यूट दिस काइंड ऑफ सब्रैक्शन मोस्ट ऑफ सो दैट यू बिकम कॉन्फिडेंट इन सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स नाउ फोर्थ क्वेश्चन अगेन फोर छोटा नंबर है ठीक है सिक्स बड़ा नंबर है फोर में से सिक्स नहीं जा सकता तो फोर क्या बोलेगा अपने पास वाले को प्लीज़ गिव मी योर वन तो फ़ोर अपना वन दे देगा तो फोर खुद कितना बन जाएगा थ्री और ये कितना बन जाएगा फोर्टीन ठीक है तो कुल मिला के फोर्टीन में से सिक्स माइनस हो सकता है क्योंकि फोर्टीन सिक्स से बड़ा होता है तो कुल मिला के हमें काउंटिंग कहाँ से बोलनी है सिक्स के बाद से नीचे वाले के बाद से कब तक जब तक ऊपर वाला ना आ जाए सिक्स के बाद क्या आता है सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोटीन और फोरटीन तक की हमको काउंटिंग बोलनी थी सो आवर फाइनल आंसर विल बी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट सो फोर्टीन माइनस सिक्स विल बी एट इजी सब्ट्रैक्शन नाउ अगेन थ्री में से एट माइनस नहीं हो सकता सो दिस थ्री विल आस्क टू दिस थ्री ओके इट विल टेक बोरो फ्रॉम इट सो दिस थ्री विल बिकम टू and now this 3 have become 13 I'm doing it directly, I don't want to cancel it otherwise I don't have much space over here so you should cancel it and write 13 or directly you can also like write like this so the story is we have now this 3 has become 13 and now we can subtract 8 from 13 so we have to count after it till 13 okay so let's start counting after it 9 10, 11, 12, 13 so here we are तो नंबर ऑफ lines वन टू थ्री फोर फाइव so 13 माइनस एट विल बी फाइव गॉट एट नाउ फिर से हमारे पास क्या आया टू एंड नाइन का पैर मतलब टू में से नाइन नहीं जा सकता है तो कोर्स इससे हमको बोरो लेना पड़ेगा तो एट से हम वन बोरो लेंगे तो एट कितना बन जाएगा 7 और टू कितना बन जाएगा 12 ठीक है काउंटिंग कहाँ से बोलेंगे नीचे वाले के बाद से कहाँ तक बोलेंगे ऊपर वाले तक 9 के बाद क्या आता है 10 इलेवन ट्वेल्व और ट्वेल्व तक की हमको काउंटिंग बोलनी थी तो टोटल नंबर ऑफ लाइन्स कितनी हुई वन टू थ्री सो आवर फाइनल आंसर विल बी बिकॉज सेवन माइनस सेवन विल बिकम जीरो पहले कितने भी जीरो लगाओ लेफ़्ट साइड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सो आवर फाइनल आंसर विल बी थ्री हंड्रेड फिफ्टी एट गॉट इट सो इन दिस वे वी एग्जीक्यूट सब्सट्रैक्शन एंड दिस ट्रिपल ज़ीरो नंबर्स यू शुड प्रैक्टिस दैम अलॉट सो दैट यू गेन मोर कॉन्फिडेंस इन योर Subtraction. In our next class, we will start with these word problems. Okay. So if you if you are not good at this solving this additional subtraction till yet, you should attend all the basic max classes and practice more and more these kind of questions. Although your first three chapters are just a revision uh, of your previous classes. So in our next class we will start with this word problems. So till then, goodbye all of you.